अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिस पर्स लाइफ। आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार बहुत ही आसान लाजवाब श्रिम्प करी मेरे स्टाइल में। चलें स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 2 बेलीफ, 1 मीडियम ओनियन फाइनली चॉप। इसको हम सोते करेंगे अंटल हमारे ओनियन गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें ओनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 3 मीडियम टमाटो ऐड करूँगी, चॉप किए हुए टमाटो। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, 1 ग्रीन चिली चॉप वो ऐड करेंगे हम। चिली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस, आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें। इसके अंदर मैं 2 टीस्पून जिंजर स्लाइस किए हुए डालूंगी। अब हमने इसे इतना कुक करना है कि हमारे टमाटो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए टमाटो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, बहुत ही सिंपल है। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। स्पाइस आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, 2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है करी पाउडर, वो ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिएगा। करी पाउडर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इतनी देर मिक्स करना है कि मसाला अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला रेडी है। अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँगी, 3 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स करने के बाद श्रिम्प ऐड कर रही हूँ, 2 पाउंड श्रिम्प है, 1 kg। श्रिम्प बनाते वक्त एक चीज़ ज़रूरी है कि आप श्रिम्प को इतना कुक करें कि आपके श्रिम्प हार्ड ना हो जाएं। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके श्रिम्प ख़राब हो जाते हैं। हमने इतनी जल्दी जल्दी इसे बनाना है कि इसको हमने ज़्यादा देर रखना नहीं है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ, मटर मेरे बेटे को पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रेसिपी है, प्यार से बनाएंगे तो बहुत अच्छी, बहुत ही लाजवाब बनेगी। खुद भी खाइए, फैमिली को भी खिलाइए, इतनी मज़ेदार डिश है। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ जो ड्राई है। अब मैं इसके अंदर कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ जो हमने फ्रीज करके रखा हुआ है। ये देखें कितना प्यारी सी हमारी करी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फाइनल टच देने के लिए इसके अंदर हैवी क्रीम भी ऐड करेंगे। ये देखें इसको क्रीमी बनाने के लिए खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।